गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। सो आज है मंडे एंड टाइम हो रहा है 9:30, 9:45, 10 अराउंड। तो आज का हमारा ब्रेकफास्ट मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ब्रेकफास्ट में रोटी एंड चने की सब्जी, जो कल रात का था, कल रात को मम्मी ने बनाया था, एंड उसके साथ तो रोटी कल रात का नहीं, रोटी आज का ही है क्योंकि गर्म है। एंड मैं अभी टीवी देखने वाली हूँ और ये खाने वाली हूँ। इसके बाद मेरा होमवर्क है थोड़ा, करेंगे एंड एक वीडियो शूट करेंगे, तो वो है हमारा आज का प्लान। सोच रही थी कि मैं एक हेयर कट करूँ, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना कि मैं मेरा बाल को थोड़ा सा काटूँ या नहीं। मेरा मन था कि मैं इसको थोड़ा सा ना और छोटा कर दूँ, ये इतना बड़ा हो गया ना, इतना काट दूँ, सोच रही हूँ मैं अच्छा दिखेगा थोड़ा, इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ। आप लोग कमेंट करना अगर आप चाहते हो कि मैं मेरा बाल काटूँ। फिर से छोटी कर ली, क्योंकि ऐसे मैं करूँगी ना तो एक बाल आएगा और फिर मेरा खाने में लग जाएगा, और फिर मैं बाल वाला खाना तो खाऊंगी नहीं, इसलिए। हेलो, तो मैं आ गई हूँ मेरा होमवर्क करने। अच्छी आलसी नहीं होना है, होमवर्क फिनिश करना है। चलो मैं मेरा होमवर्क फिनिश करती हूँ एंड आप सभी से मिल लो मेरा होमवर्क फिनिश करने के बाद। मैं नहा नहीं हूँ अभी तक। तो मैं अभी नहा के आ गई हूँ और मेरा बाल जो है अभी थोड़ा बहुत सूख भी गया है। मेरे बाल में मैं नहा के आई, कंडीशनर लगाई थी और उसके बाद एलोवेरा जेल। अच्छा दिख रहा है ना? और तो क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि तुम्हारे हेयर केयर रूटीन दिखाओ, तो इसमें ब्लॉग में ही बता दो तुम्हारे हेयर केयर। हाँ, आप लोगों ने बहुत क्यूरियस थे तो चलो मैं बता ही देती हूँ कि क्वेश्चंस सब सही थे, लेकिन एक चीज़ मुझे थोड़ी अजीब लगी, जो कि थी आप लोगों ने पूछा था कि कौन से ब्रांड के चीज़ें लगाते हैं। तो ब्रांड तो वो मेरे हेयर का क्वालिटी देख के है, मतलब मेरा हेयर टाइप, मेरा बाल थोड़ा मोटा है इसीलिए मैं लगाती हूँ आलमंड ऑयल। और अब लोगों का बाल पतला है तो यू कैन अप्लाई निहार ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल। हाँ, कोकोनट ऑयल, मेरा बाल थोड़ा मोटा है इसलिए मैं आलमंड ऑयल लगाती हूँ। और मैं जब शैम्पू करती हूँ उससे पहले तेल लगाती हूँ, अगर तेल लगा होता है तो ठीक है, और खाली शैम्पू या रूट्स में लगाती हूँ। उसके बाद जब पानी जाता है तो यहाँ इसको भी वॉश करके चला जाता है, जो बाल का बाकी का हिस्सा। एंड उसके बाद फिर मैंने थोड़े वो मग जो है ना जिससे ऐसे नहाते हैं, उसमें मैं शैम्पू ऐसे डाल देती हूँ, उसको ऐसे ऐसे बबल कर देती हूँ, फिर सर के ऊपर डाल के फिर साफ कर लेती हूँ। उसके बाद कंडीशनर ओनली हेयर लेंथ में लगाना है, यहाँ ऊपर नहीं लगाना है। और उसके बाद आती हूँ, बाल को ऐसे ऐसे बुद्धू जैसे झाड़ती हूँ, और जब बाल थोड़ा सा ऐसे ऐसे लाइन होकर पतला होने लगे ना, उसके बाद आप एलोवेरा जेल लगा दो और ऐसे ऐसे अपना बाल को कोम कर लो। ऐसे हाथ से कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल कोम से मत करना, क्योंकि ऐसे करने से जो बाल होता है ना वो झड़ जाता है, इसलिए। सो दिस वॉज माई हेयर केयर रूटीन, आप लोगों ने बहुत पूछा था तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज के व्लॉग में बोल ही देती हूँ। अब बाल शैम्पू करने के बाद इतना भी अच्छा नहीं दिखता है, क्योंकि स्कूल जाती हूँ तो ऐसे मिडल में पार्टीशन हो गया है मेरा बाल, जो कुछ दिख नहीं रहा है, और मैं बहुत भूतनी जैसे दिख रही हूँ। भूत, सच्ची में भूत जैसे दिख रही थी। लंच टाइम राइट नाउ, एंड आज के लंच में क्या है मैं दिखा देती हूँ। उससे पहले मैंने मेरा बाल को अच्छे से सेटअप कर लिया है ताकि मेरे खाने में जो है बाल ना आए, और चलो आज का आप लोगों को लंच दिखाते हैं। लंच में फ्राइड राइस, आप सोच रहे हो कि ये तो कल भी खाया था। हाँ, ये वही वाला फ्राइड राइस है, और इसको मम्मी ने गर्म करके दिया क्योंकि कल रात को मैंने पूरी खा लिया था ना, इसलिए ये मुझे आज खाना पड़ेगा, वरना ये एक्चुअली मम्मी ने बोला था कि मैं कल रात को खा लेती,
तो क्या करूँ, मैं थोड़ी सी भुक्कड़ बच्ची हूँ तो इसलिए मुझे ये दोनों तो एक साथ नहीं खा सकती थी, पूरी और ये, इसीलिए पनीर पीसेस यहाँ रख देते। दो पनीर पीसेस यहाँ होंगे, मैं ऐसे हाफ हाफ करके खा दी, पहले इतना मैं फिनिश करूँगी, उसके बाद इसका इतना हाफ ले कराऊँगी, फिर ये जो लास्ट वाला बचेगा वो खाऊंगी। तो आज हमारे पास है फ्राइड राइस और चने की सब्जी जो ब्रेकफास्ट में भी किया था, एंड उसके साथ है हमारे पास दही भिंडी। तो चलो मैं मेरा लंच फिनिश करती हूँ एंड आप सभी से मिलती हूँ लंच फिनिश करने के बाद। और मम्मी के फ़ोन में चार्ज भी नहीं है तो इसलिए अभी मैं वहाँ चार्ज भी बैठा दूंगी मोबाइल को। हाय, तो मैं अभी वापस आ चुकी हूँ ट्यूशन से और मुझे आज थोड़ा सा मेरा लेट नाइट स्टडी करना है, मतलब होमवर्क ख़त्म करना है कल का। और या होमवर्क फिनिश करूँगी मैं, बहुत होमवर्क है, 50 का 2 दिन का होमवर्क मैंने रख लिया, क्योंकि मैम ने बोला था वो ट्यूजडे देखेंगी, इसलिए पहले एक एक्स्ट्रा क्लास जो सुबह गई तो उसका होमवर्क था और उसके पहले वाले क्लास का होमवर्क था, दोनों मैंने नहीं किया। तो इसलिए अभी मुझे बैठ के बहुत टाइम लगेगा करने के लिए, और अभी तक डिनर नहीं किया मैं, अभी अभी आए और इतनी गर्मी हो रही है रात को भी। मेरा दांत ये हिल रहा है इसीलिए ये दांत दुख रहा है। तो फिनिश कर लेते हैं हमारा होमवर्क जो भी था, हिस्ट्री का था, ठीक है। और मैम ने बोला था कि बुक से देख के करना है, पहले तो बुक पढ़ना है उसके बाद देख के करना है, इसीलिए मैं पहले ये क्वेश्चन सारा फिनिश करूँगी। कढ़ाई पनीर बनाएंगे, कढ़ाई पनीर मतलब शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, कढ़ाई पनीर मतलब शाही पनीर, तो मुझे पहले खाना था, मैं होमवर्क बाद में करूँगी। कढ़ाई पनीर, बटर पनीर मसाला, बटर पनीर मसाला मतलब शाही पनीर ही, शाही पनीर का नया नाम और मम्मी ने बोला नया डिश। एनीवे मैं तो अभी नहीं करने वाली हूँ, मैं बस बोल रही थी कि इसके बाद मेरा करने का क्या प्लान है। तो पहले मैं मेरा एसी रूम में जाके आराम से बैठ के डिनर करूंगी एंड चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ मम्मी ने क्या कढ़ाई पनीर क्या बटर पनीर बनाया है। चलो देखते हैं क्या कढ़ाई पनीर है, ए बटर पनीर मसाला, लेट्स सी इसमें पनीर है कि नहीं। ओ अच्छा दिख रहा है, टेस्टी टेस्टी, मतलब सूंघ के बोल रही हूँ, पता तो है नहीं कैसा टेस्ट कर रहा है, मैं ही कर रही हूँ, मेरा ही हाथ है, देख लो। मुझे भी खाना बनाना आता है, ये देखो गाइस मैं खाना बना रही हूँ। देखो मामे मैंने आपके लिए क्या बनाया है, देखो मेरे लिए कोकोनट आ गया आज, पियोगी है कल सुबह, वाह सुबह पीती हूँ मैं। तो मम्मू मुझे मेरा, मम्मू क्या होता है, मम्मी मुझे मेरा डिनर जल्दी जल्दी दो और मैं इसी रूम में जा रही हूँ, क्योंकि अभी आ चुका है डिनर। और चलो ये टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा बना है। ओ गरम है, बट आई एम गोइंग टू गिव यू गाइस द ऑनेस्ट ओपिनियंस रिएक्शन। व्हाट, ओ गरम है मम्मी, प्लीज 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 प्लीज, गरम ज़्यादा नहीं, चलो इसको खाते हैं। टेस्टी। चलो तो मैं मेरा डिनर एंजॉय करती हूँ और आप सभी से मिलती हूँ मेरा डिनर के बाद। मेरा मस्त डिनर कर चुकी हूँ, अभी मुझे बैठ के मेरा SST लिखना है और कल सोच रहे हैं मेरे बाल को हेयर कट करवाएंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गया ये पुराना स्टाइल करके रखी हूँ बाल, तो थोड़ा सा मे भी न्यू स्टाइल करेंगे। तो बाल को ऐसे नीचे से यहाँ से ना थोड़ा सा ऐसा मुड़ मुड़ गया है, तो इसको कट कर देंगे और थोड़ा सा बाल को छोटा करेंगे, थोड़ा सा चिंता मत करो, आपकी प्रियांशी का बाल उतना भी छोटा नहीं कट करने वाले। एंड हाँ, हमारे पास है 10-15 क्वेश्चंस और ऊपर से उसके साथ है ये चैप्टर का, हाँ, और ऊपर से मैम ने बुक का भी दे करने के लिए बोला था, 5-5-10, 15+10 ओनली 25 क्वेश्चंस ओनली। मैं जा रही हूँ, आवाज दोगे क्या, आवाज नहीं दूंगी क्या था ये, तो सब मुझसे गुस्सा कर रहे हैं, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, कोई नहीं रखने वाला आपको अपने घर में, बोलेंगे आप जहाँ से हो वहाँ घर चले जाओ अपने, कौन रखेगा इस जमाने में। एनीवे चलो फिनिश करते हैं अपना होमवर्क, तो या
मैं आप लोगों को टाइम लेप्स दिखाने वाली हूँ मेरा होमवर्क फिनिश करने का, क्योंकि आप लोगों को टाइम लेप्स बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए। और हाँ, मैं मोबाइल भी मेरे पास ही रखने वाली हूँ, मेरा ये रहा, क्योंकि अगर कुछ कुछ मेरे बुक में नहीं होगा, क्योंकि मैम ने एक और हमारे मेरे फ्रेंड्स लोग जो लोग मेरे स्कूल से नहीं है उन लोगों के बुक्स से नहीं, मम्मी और पापा अभी एसी रूम में, और उन लोगों के बुक से भी दो चार क्वेश्चंस है, और वो लोग अभी इतने लेट रात को तो चुके होंगे नहीं, इतना भी लेट नहीं है, मैं उनसे पूछ सकती हूँ, लेकिन मैं बता रही इसलिए मैं गूगल करने वाली हूँ अगर होगा तो, और अगर गूगल में आंसर दिखा दिया उनकी बुक जैसा सेम नहीं हुआ तो फिर भगवान ही जाने मैं क्या करने वाली हूँ। और मेरे मोबाइल में चार्ज नहीं है, बहुत कम चार्ज है, 7% चार्ज है यहाँ, इसलिए मैं मेरे मोबाइल को चार्ज में, ये रहा चार्जर मेरे मोबाइल का, लैंप निकाल देते हैं, यहाँ लगा देते हूँ, यहाँ लैंप का लगा देती हूँ, लैंप ऑन कर देती हूँ, और उसके बाद हो गया 7% ही चार्ज का प्रूफ, तो इसीलिए अभी ये चार्ज होने दो, एंड जब मुझे कोई डाउट होगा तो मैं गूगल करूँगी, वरना मैं ऐसे ही कर सकती हूँ, क्योंकि आपकी बहन बहुत इंटेलिजेंट है ना। तो चलो मैं फिनिश करती हूँ मेरा होमवर्क, क्योंकि कल हम लोग शूटिंग भी करेंगे, फिर मेरा बाल भी काटने जाना है, तो दोपहर को कितना कुछ करूँगी, इसलिए क्वेश्चन तक, और 15 क्वेश्चन है, और उसके बाद और 10 क्वेश्चन है, तो पहले मैं 15 क्वेश्चन तक कर लूँगी, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लूँगी, और अगर होगा तो बाकी 5 क्वेश्चन कल सुबह कर लेंगे, या फिर रात को करके सो जाएंगे। मेरा आँखों में नींद आने लगी है, लेकिन मुझे फिनिश करने, क्योंकि मैंने पहले फिनिश नहीं किया, अभी मुझे मेरा मेहनत का फल भुगतना पड़ रहा है, तो आप लोग भी पहले अपना जो होमवर्क है सब फिनिश कर लिया करो, वरना ऐसे बाद में आप लोगों को रात के 12 बजे तक जग जग के ये सब करना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल टाइम हो रहा है 10:42, एंड मैं 11:30 तक पढ़ूंगी, और 11:30 तक ही मेरा टाइम है, तब तक जितना तो मेरा हो जाएगा उतना हो जाएगा, और मैं फिर कल सुबह उठ के बाकी करूँगी, क्योंकि मैं और नहीं कर सकती, और मेरे अंदर बिल्कुल शक्ति नहीं है। तो अभी टाइम हो रहा है 11, और आई नो अभी अभी मैंने ब्लॉग कंटिन्यू किया था, और अभी बहुत ज़ोरों से गर्मी हो रही है, इट्स टू गर्मी, हीट गर्मी, तो अभी मैं इंदर सहन नहीं कर सकती, और अभी मैं सीधा जा रही हूँ सोने, डर गई, मम्मी ने बॉटल गिरा दिया था, इतनी गर्मी है मैं क्या बताऊँ, और थोड़ी देर में मेरे सर से पसीना निकल आएगा, इधर कितना पसीना हो चुका है, ये देखो पसीना ही पसीना, इसलिए अब मैं जा रही हूँ एसी ऑन करेंगे, आराम से सोएंगे मम्मी और मैं, और बाकी जितना बचा सब, किसका मौत, बोतल का, ऐसे गिर गया कि बोतल का सीधा कैप ही निकल आया, कोई बात नहीं, ऐसे पी सकते हैं, कुछ करेंगे, इधर से कट कर दूंगी और इसमें रस्सी डाल के उधर डाल दूंगी, ताकि चिड़िया लोगों को पानी दे दे, आधा इसका कैप के अंदर ही रह गया क्या अच्छे से टूटा है, सही टूटा है, ऐसे रख दोगे किसी को पता भी नहीं चलेगा ये बोतल टूटा है, ऐसे कोई खोलेगा फिर अरे ये बोतल तो टूटा है बोलेगा कोई। एनीवे चलो मैं जा रही हूँ सोने, बहुत जोरों की गर्मी हो रही है, आप सब लोगों से मैं मिलूंगी कल के ब्लॉग में, एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्लॉग टिल द एंड, एंड इफ यू लाइक इट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन, गुड नाइट, मैं जा रही हूँ सोने क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है, आप भी जाओ।